ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वचन सुनना मत छोड़ो और कलीसिया आना मत छोड़ो, क्योंकि वचन ने खुद लिखा है कि प्रभु का वचन एक औषधि और एक दवा की तरह हमारे शरीर में काम करता है। हम देखते हैं जब हम बीमार होते हैं तो जब हम कोई दवाई लेते हैं तो उसका असर हमारे शरीर में शुरू होना स्टार्ट हो जाता है असर, लेकिन वैसे ज्यादा असरदार है परमेश्वर का वचन। आज इनकी वही साक्षी है, कहती है सुबह से मेरे चेस्ट में और मेरे हार्ट में मतलब हृदय में बहुत दर्द हो रहा था और ये पूरा एक पार्ट मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो कहती है मैं तो बहुत अनदेखा मतलब इग्नोर कर रही थी उन बातों को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब मेरी माँ ने कहा कि पास्टर बोलते हैं कि बीमारी को बर्दाश्त नहीं करने का, उसको बाहर निकालने का, और वो कहती है मेरी माँ ही हमने प्रार्थना किया और वो दर्द मेरा चला गया। लेकिन उसके बाद जब मैं चर्च में आई तो मेरे को फिर से वो फील होने लगा, लेकिन जैसे पास्टर वचन सुनाने लगे मानो वो दवाई और वो जीवन मेरे अंदर जाता रहा, और वो जैसे अंदर जाता रहा वैसे मेरी पूरी पीड़ा शरीर से निकल गई है। प्रभु ने सचमुच आरोग्य दिया है इस वचन के द्वारा। सारा गौरव परमेश्वर को।